व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जी आज है सैटरडे। ये फैमिली डे का व्लॉग बनना नहीं था, बेसिकली धक्के से बन गया। धक्के से कैसे बना है कि यार शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो हमारे उन्होंने ना बैंकर्स की ना छुट्टी ऑफ कर दी थी सैटरडे की। तो मेरे बड़े भाई हैं बैंकर, रात को उनको नोटिफिकेशन आ गया कि भाई आपकी सैटरडे की छुट्टी फिर खुल गई है, बहाल हो गया, अब से उनको सैटरडे की छुट्टी होगी। और पाकिस्तानियों को छुट्टी तो वैसे ही बहुत पसंद है। तो भाई ने खुशी खुशी में आके फैमिली ग्रुप के अंदर मैसेज कर दिया भाई कि भाई सैटरडे के दिन सारे बाहर के प्लान्स कैंसिल कर दो, हम लोग फैमिली डे मनाएंगे और एंजॉयमेंट करेंगे, चिल वगैरह मारेंगे। मगर इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ऊपर से भाई बाबर और भाई नोमी को भी छुट्टी थी, तो यार ये प्रॉपर एक फैमिली डे बन गया। तो तुम्हें पता है वैली वेला हूँ, ठीक है, मंडे से मिड्स है, टेंशन ही कोई टेंशन है ही नहीं, बाप की यूनिवर्सिटी है, टेंशन क्या है यार। मैं ट्रांसफॉर्मेशन बनाने लगा, मैं कहा यार ड्रेसिंग नहीं मजे की लग रही, थोड़ी सी ना चेंजिंग करते हैं। मैं कहा चलो यार पहले थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपना फिर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे, फिर बाकी के सीन्स भी मैं आपको बताता हूँ। चलो पहले आउटफिट चलते हैं। शर्ट मुझे पसंद थी वो अवेलेबल है नहीं, और मिल भी रही है तो लार्ज में मिल रही है। खैर अभी ट्राई वगैरह करते हैं, अगर पूरी आती है तो ठीक है, वरना अदरवाइज फिर कोई और लेते हैं। फाइनली मुझे एक शर्ट और एक टी शर्ट पसंद आ गई है, वो मैंने बाय कर ली है। अब हम सीधा जाएंगे घर। यार घोटा इज जस्ट लव यार, लिटरली जिन्नी सरगोधा च गर्मी पै रही है ना उस लिहाज नाल तुहानू सिर्फ एक कोटा ही बजा सकता। मैं लगता पूरी दुनिया के गुनाह सिर्फ सरगोधा ने किए जिन्नी इधर गर्मी पै रही है। अल्लाह ही बचाए यार। बशर पुत्र मजा ही आ गया। तो यार आई एम फाइनली होम नाउ। अभी मैंने साउंड ढूंढा हुआ है बट अब वीडियो इम्प्लीमेंट करनी है, तो अभी सेटअप वगैरह लगाता हूँ मैं वीडियो का। तो यार सेटअप इज़ डन नाउ, बस अभी मैं वीडियो वगैरह स्टार्ट करूँगा बनाना। ट्रांसफॉर्मेशन यार टाइम बहुत ज़्यादा लेती है, मेरी कोशिश तो है कि मैं आपको एक प्रॉपर ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊँ इसके ऊपर कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बनाता हूँ, बट इसके ऊपर टाइम लगेगा थोड़ा सा। अपकमिंग वीक में मैं ट्यूटोरियल भी आपको दे दूंगा, तो कनेक्टेड रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे चैनल। या गाइस ट्रांसफॉर्मेशन इज डन नाउ, ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे इस ट्रांसफॉर्मेशन ने ले लिए मेरे, बट अभी मैं नीचे जा रहा हूँ फैमिली से पूछता हूँ कि क्या सीन है नेक्स्ट। या तो आप लेटर मंगवा लो और साथ आप कुछ हांडी या कुछ मंगवा लें, नंबर 2 आप पिज्जा मंगवा लें 3 एक्स्ट्रा पिज्जा। जी मैं नीचे आया हूं तो ये डिस्कशन चल रही है। तो बताएं जी कौन कौन वोट करता है प्लेटर के बारे में और पिज्जा के बारे में, आपका क्या वोट है जी? प्लेटर और अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। अम्मी आपका क्या है, पिज्जा या प्लेटर? पिज्जा या प्लेटर? दोनों। पिज्जा या प्लेटर? पिज्जा। मैं भी पिज्जा कह रहा हूँ और भाई बाबर ने भी पिज्जा कह दिया। नोमी भाई आप फाइनल बताओ, अब आपके ऊपर फैसला है, फैसले की घड़ियां बहुत बहुत। तीनों कौन सी? सारी चीजें हमारी बातों बातों में जाग गई। गुड मॉर्निंग, ये कौन है? गुल्लू है। एक तुम्हारे पास हमेशा खाने के टाइम में लड़ाई होती है। एसी भी आया ऊपर यार, देख लो भाई आपने एसी लगवाया, देख लेते हैं। हाँ जी एक बड़ा लेटर मंगवा लेते हैं आगे, और 2 एक्स्ट्रा लार्ज फैमिली साइज पिज्जा। डन डन डन। तो जी भाई दोनों की बात मानी गई है, पिज्जा भी आ रहा है प्लेटर भी आ रहा है, तो चले जी अब खाने का वेट करते हैं। मुझे लगता है मेरे घर वाले मुझे अपने घर का हिस्सा समझते नहीं है। मैं समझ रहा था कि ये दोपहर का खाना मंगवाएंगे, लेकिन ये प्लान तो रात का है। किस बात का नहीं है कि इन लोगों ने मुझे बताया नहीं है, दुख इस बात का कि मैं सुबह से एक्सपेक्ट करके बैठा था कि यार दोपहर को खाएंगे। कोई नहीं यार, इतना मसला कौन सा है, अभी हम अपने लिए खुद रोटी बनाएंगे और खुद अंडा बनाएंगे, अभी फिलहाल अभी का गुजारा करते हैं, फिर रात का सीन तो फिर तुम्हें पता ही है, हैवी सीन है। नई नौकरानी रखी है। हाय नौकरानी, ये देसी अंडा इसलिए छोटा लग रहा है, सरगोधा में छोटे अंडे नहीं होते बाय द वे। तो अंडा तक नहीं तोड़ना आता यार मुझे। तो यार मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ नमक मिर्चों वाला अंडा खाना और बनाना, नमक थोड़ा सा
ज्यादा ही डर गया। खैर है कोई नहीं, मैनेज करेंगे, खुद ही खाना है। वीडियो थोड़ी सी तो ज्यादा होनी चाहिए ना। आधा घंटा हम लोग फेंटे के इस मजाक कर रहा हूँ, आधा घंटा फेंटने ना लग जाना। अंडा फेंट लिया जी, अब फ्रिज से निकालते हैं बाकी आटा। पराठा मैं बड़ा फिट बनाता हूँ, ऑनेस्टली यकीन करो, पराठा मैं ऐसा फिट बनाता हूँ ना, पूरे महीने का घी मैं पराठे के अंदर ही डाल देता हूँ, तभी तो करारा बनता है। देखा लंबी होगी ना अम्मी। अम्मी जी क्या बात है, क्या बात है, कुछ भी नहीं। ये क्या किया, ये क्या किया, खराब कर दिया, बना रहा था, बिल्कुल खराब कर दी है। ओके खुद से मैं खुद बना के ओके दुकान छोड़ दो, गलत कर दिया सारा आटे का। हाँ यार पेड़े पे खराबी कर दी सारी। घर में रोटी बना रहा था तो ऐसे हो गया। मैं जब हॉस्टल लाइफ में हुआ करता था ना, कभी कभी हॉस्टल लाइफ में गया नहीं अभी तक। ये देखो माशाल्लाह मेरी अम्मी कितना अच्छा आटा गूंथती है। इसको गूंदना कहते, बनाना या रोटी बना रही है। बड़ा दुख होता है आपको ऐसे काम करते देख के। अब मैं सोच रहा हूँ कि ना कोई हेल्पर ले आऊं आपकी। हाँ, ले आऊं हेल्पर भी लेकर आती हूं। हाँ ले आओ ना, मेरे मेरे लिए भी कुछ सोचो ना। ये जो देख रही है इसी को ही कुछ कह दो। चलो ले आऊंगी तो मैं ले आऊंगी। अम्मी पागल हो जाएगी खुशी से, मुझे देख रही है। कहाँ देख रही है, किधर, मुझे दिखा इसकी शक्ल किधर है। अम्मी जो मेरे फैंस देख रहे हैं। ऑयल तो लगाया नहीं है। अब मोहतरमा आप जा सकती हैं, यू कैन गो। ये जो बच्चों का दूध है ना, पता नहीं क्या नाम है, न्यूरोलैक्स या पता नहीं कौन सा भी नाम है, ये बहुत ही मज़े की चीज़ है। तुम लोग कभी ट्राई करना खाना, बड़े लेवल की चीज़ है। तो मैं भी कहूँ बच्चों का दूध जाता किधर, मना नहीं किया था, मना नहीं किया था, बच्चियों का दूध गायब हो जाता है, इतना महंगा डब्बा आ रहा दूध का। अच्छा ये पलटा दो, इतना घी लगाओ, घी नहीं लगाती हो आप सही तरह, तेरा अम्मी सही तरह देखो खराब हो जाएगा देखो। अच्छा तो अब तू मुझे सिखाएगा? तो मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं नहीं तो सही बना पराठा, बहुत मजेदार बना। पराठा हमारा तैयार हो गया जी, अब हम अंडा बनाएंगे। आय हाय चेक करो, चेक दिस आउट। अब मैं तुम्हें एक टिप बताता हूँ, ये टिप अगर तुम यूज करोगे तुम्हारा एक अंडा दो अंडों के बराबर हो जाएगा। अभी दिखाता हूँ यार, चेक करो जी। नाश्ता वगैरह हमारा तैयार हो गया। देखो जी मेरे जैसा बंदा तुम्हें कहाँ पे मिलेगा। ओके शाम के 6 बजे नाश्ता कर रहा है। खाना वगैरह खा लिया हमने, और जिस दिन छुट्टी वाला दिन होता है चाचू इज ऑन हिज ड्यूटी। जैनब साहब रो रही थी, इनको पकड़ा हुआ है। गोलू ओए गोलू इधर देखो, गोलू देखो यार अपने चाचू के पास सो गया यार, ये कितने क्यूट है यार। अच्छा सोचो 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 सोचो, मजाक कर रहा था, लाइट ऑफ करता हूँ, लाइट ऑफ। जर्सी से प्लेटर ऑर्डर कर लिया हम लोगों ने, अब हम लोग जा रहे हैं मिस्टर विंग। कहाँ जा रहे हैं? कॉपी कैसे कर रही थी? तो घर भी जाना है मैम, घर चलें, घर चलें। तो जी ऑर्डर हमारा आ गया, वैक्स पिज़्ज़ा। चलो जी खाना आ चुका है, अब स्टार्ट करते हैं। तो जी फुल टाइम खाने के ऊपर हाथ साफ किया गया है जी, फुल टाइम जनाब सर जी पैसे पूरे हुए हैं। मैंने तो वैसे ही तुम्हें पता है ना, मुफ्ता वैसे ही तोड़ने का आदी हूँ, अपने माँ बाप के टुकड़ों में पलने वाला इंसान हूँ। तो खैर लेकिन हम सबसे ज्यादा खाने वाले सिर्फ दो ही शख्स थे। अभी आप कुछ कहने लगे थे, एक्सेल फैमिली लाइज पिज़्ज़ा था, फैमिली साइज़, एक स्लाइस पूरी फैमिली ने खाया, सारा नहीं खाया। डेरियो पीछे पड़ गए मेरे बच्चों, हम पीछे पड़े हुए, ये हमारे पीछे नहीं छोड़े, हमारी साथ नहीं छोड़े, ही एक्चुअली डोंट गिव अ शिट, वो स्टिल अपना खाई जा रहे हैं यार। इसका मसला पता क्या है, इसकी खाने की स्पीड तेज है, खाता ये भी उतना है, सबसे ज्यादा खाया जिन्होंने है ना, वो इससे बोल रहे हैं बातें कर रहे हैं। मैं यार मैं तो तुम्हें पता ज्यादा खाता नहीं हूँ यार, यू नो क्या किया आपने। कुछ लोगों के हाथ पे हमेशा से नुकसान लिखा होता है, वो कुछ भी कर ले
उनके हाथ में नुकसान होता ही। ये आप किसको कह रहे हो? टू होम इट मेकर्स एक फिकरा होता है, जो व्लॉग देखेगा उसको समझ आ जाएगी, और मेरे जैसे कुछ और मस्कीन है उनको भी समझ आ जाएगी। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों नाल डील करना होता। आप मस्कीन नहीं हो, ये शादीशुदा वालों के लिए। ये खाना पीना कर लिया हम लोगों ने, अब नेक्स्ट सेशन ये है कि मैंने एक स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पे कि आप लोगों ने बताना है कि हम पांचों भाइयों में से मतलब कौन कौन डिफरेंट है किस किस लिहाज से। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट के हु फाइट्स द मोस्ट? यस हु शेयर्स एवरीथिंग? भाई बाबर जो है वो सारी बातें बता देते हैं, इनको कहेंगे भी ना कि यार ये बात नहीं बतानी, ये ऐसे ऐसे पेट करते लेके जाते हैं और बात बता देते हैं। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती। सवाल है हु लव शेरी द मोस्ट? चुप करो। नेक्स्ट व्लॉगर है हमारी। हु गेट्स मोर मनी फ्रॉम पेरेंट्स? यस दिस वन। इधर यार कौन कौन से पैसे मैं लेता हूँ यार, दिन के 200। मैं दिस वन। मैं कहाँ से लूँ? क्या शुक्र है भाई आप सबसे मैं कमाता हूँ इतना, तो बनता है। सबसे ज्यादा पैसे लेते हो? सबसे ज्यादा खर्चा करते हो? अल्हम्दुलिल्लाह अपना कमाता हूँ, अपना लगाता हूँ, बीच में से देता भी हूँ घर में। ये बात तो ना करो, यूनिवर्सिटी जब 200 रुपया दिन का लेते हैं उसके ऊपर भी इतराज है। कॉपीज द अदर, ही ऑलवेज ट्राई टू कॉपी मोर फ्रेंड। ये बंदे इतराज होते बंदे कोई। हाँ जी सर, हाँ जी सर, ओके सर। सभी दोस्त है उसके। भाइयों में से सबसे ज्यादा शरारती कौन है? ये तो भाई, ये बंदा छुपा रुस्तम है। ये बंदा आग लगा के ना हमेशा छुपता है, और हमेशा हम सब भाइयों को मार पड़वाने में ये भाई का सबसे बड़ा। बचपन से ही ऐसे है, बचपन में जनाजा जी 5 साल के थे, छाती चौड़ी हो गई है। अच्छा जी, कोई फकर की बात नहीं है भाई, 5 साल के थे, इन्होंने तीसरी पे जाके पाइप तोड़ा, उसके बाद फसाया इन दोनों को, और अब्बू ने ना वो जो कपड़े कूटने वाला डंडा नहीं होता थापा, थापे से इन दोनों को मारा। कौन कौन है और कमिटेड कौन कौन है? जी भाई ये अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड है, इनकी 2 बच्चियां, ये भाई मैरिड है, इनकी 1 बेटी है, ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये ट्रिपल है, ये मैं सिंगल हूँ। फोर्थ मैं माफी 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कौन कपड़े जहाँ उतारता है वहीं पर फेंक देता है? मैं कहाँ से? Who is the most clean? Hello? ओपी। Who fights the most? ये इधर लड़ती है, इधर मैं क्यों लड़ाई करता हूँ भाई? तुम भी लड़ते हो ना, अभी लड़के आ रहे मेरे साथ। अगला सवाल है जिससे मैं बहुत ज्यादा तंग हूँ, जो कि आवाम समझती है कि मैं हूँ जबकि मैं नहीं हूँ। Who is the most favorite child? क्योंकि आपको पता है खानदान में जो सबसे पहला बच्चा होता है वो सबका फेवरेट है, जैसे हमारे घर में फातिमा ज़हरा भी है और ये भी है। कौन सबसे ज्यादा प्यारा माना? अल्हम्दुलिल्लाह। अगला क्वेश्चन है जी हमारे इंजमामुल और चीमा साहब ने किया है, तुम में से ज्यादा मैकडोनल्ड पाइप पर जाके इंग्लिश कौन बोलता है? मुझे तो मैं खुद लगता। आप फैमिली डे व्लॉग जी कंप्लीट होता है इसी चीज के ऊपर। नेक्स्ट संडे एक न्यू वीडियो आएगी हम सारे भाइयों के साथ, उसके अंदर मैं आपसे इंस्टा स्टोरी के ऊपर पूछूंगा कि आप हमें चैलेंजेस दें सारे भाइयों को, और वो हम आपके सामने करेंगे। चलो जी हमारे साथ कनेक्टेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें। बाय।